बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू, पिछले दो तीन दिन से हम एक दो वीलॉग जो बना रहे हैं, पहले पे हमने जो है ना ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर काम किया, उसके बाद फिर हमने पैरालाइज के ऊपर काम किया। तो फिर हमें कुछ व्यूअर्स, कुछ हमारे जानने वाले कोलीग्स ने कहा कि आप जो है ना अब इसको कन्वर्ट करें मिर्गी के ऊपर, यानी एपिलेप्सी क्या चीज़ है। तो हमने फिर सोचा कि हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए, उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए और कुछ कन्फ्यूजन जो होती है मुआशरे में उनको ख़त्म करने के लिए, तो हम एक वीलॉग बनाएं जिसको एपिलेप्सी की सूरत में, और वो लोगों को बताएं कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी का जो दौरा होता है वो किस वजह से होता है, फिर जो है उसकी आगे क्या रीज़न्स होती हैं, और किस तरह का ये आपकी बॉडी के अंदर एक पूरा निज़ाम होता है कि क्यों ये आपको मिर्गी का दौरा होता है। तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम एपिलेप्सी के ऊपर अपने व्यूअर्स के साथ बात करें। तो आज का हमारा मौजू ये होगा कि व्हाट इज़ द एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या चीज़ है, मिर्गी क्या चीज़ है, और ये हमारी बॉडी में किस तरह का जो सिस्टम होता है जहाँ से ये मिर्गी का जो दौरा है वो जनरेट होता है। तो सबसे पहले तो हमारे तमाम व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेन है मेरी बॉडी का या किसी भी बॉडी का, ब्रेन पूरे का पूरा एक सर्किट है। जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप डिजिटल सिस्टम देखते हैं, फिर इसी तरह जो इंटरनेट, कंप्यूटर या इस तरह की जुड़ी हुई कोई भी कनेक्टिविटी वाली चीज़ें देखते हैं, तो उसके अंदर बारीक बारीक जो है ना वो वायर्स होती हैं, और वो हज़ारों की तादाद में वो वायर्स मिलके एक सिस्टम को जनरेट करती हैं, और वो सिस्टम जो है फिर उन्हीं के आगे चल रहा होता है। उनमें से किसी एक वायर का डैमेज हो जाना वो पूरे का पूरे सिस्टम को जो है वो डैमेज कर देता है, यानी फिर आपको वो फॉल्ट ढूंढना पड़ता है। फिर हम किसी मैकेनिकल के पास जाते हैं, जिस तरह आप कोई किट खोलते हैं उसके पीछे देखते हैं हज़ारों तारों का एक मजमूआ होता है, तो ब्रेन जो है ना वो आपका दिमाग जो है इसमें हज़ारों बल्कि करोड़ों किस्म की नसें जो हैं, करोड़ों किस्म की जो नसें हैं, जो इस तरह के आपके सिस्टम्स हैं, वो पूरे के पूरे कनेक्ट हैं आपके दिमाग के साथ। अब आपके दिमाग के अंदर वो जो करोड़ों और हज़ारों किस्म की जो नसें एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजरते हुए वहाँ पर जाके कनेक्ट करती हैं, जिनको आपका ब्रेन जो है वो उसको जनरेट करता है, जो कि आपकी बॉडी को पूरे का पूरे सिस्टम को चलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपने व्यूअर्स को ये समझाऊं कि मेरी ये जो एक फिंगर है, इसका जो ये मूवमेंट है ना, इसका कनेक्शन भी मेरे दिमाग से है। मेरे नेल को अगर मैं दबाऊंगा तो इसका कनेक्शन भी मेरे दिमाग से है। हाथ की मूवमेंट है, इसका कनेक्शन भी मेरे दिमाग से है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी बॉडी के ईच एंड एवरी थिंग जो इसका सिस्टम चलता है, इसको मूवमेंट होती है, या मेरी बॉडी का किसी भी तरह की उसकी मशीनरी जनरेट होती है, या उसमें कोई वाइब्रेशन होती है, या वहाँ पे मुझे किसी चीज़ की फीलिंग महसूस होती है, तो ये सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए मेरे ब्रेन का एक बहुत बड़ा रोल है, बल्कि कम्प्लीटली रोल है। अब इस रोल के अंदर ये है कि जितनी भी वो करोड़ों किस्म की जो नसें होती हैं आपके ब्रेन के अंदर, वो बेसिकली एक कम्प्लेक्स सर्किट होता है, और ये पूरे का पूरा सर्किट जो है वो पूरी बॉडी को जनरेट, बल्कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन चूँकि ये सारी नसों को जनरेट करता है और एक कम्प्लेक्स सर्किट बनता है आपकी बॉडी में, और वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वहाँ से करंट की सूरत में वो आपकी बॉडी को सारा सिस्टम चला रहा होता है, और वो सारा करंट जो है ना वो आपकी इन नसों के अंदर दौड़ रहा होता है। अब वो जो करंट होता है वो अगर हम उसको काउंट करें, जिस तरह हमारे घरों में 220 वोल्ट होता है या 160-170-180 वोल्ट हो, तो वो पूरे घरों की मशीनरी को चला रहा होता है। अगर वो वोल्टेज कम हो जाए तो आपका एयर कंडीशन और जितना भी ये आपका रेफ्रिजरेटर सिस्टम होता है वो चलने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज कम हो गए, या अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें जल जाती हैं। तो सेम लाइक कि मेरे माइंड के अंदर जो हज़ारों और करोड़ों किस्म की नसें हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, और हर नस एक दूसरे के ऊपर नीचे से जाती है, और वो कनेक्टिविटी उसकी सारी ब्रेन के अंदर हो रही होती है। ब्रेन जो है यानी जो दिमाग है वो उसको जनरेट कर रहा होता है। अब इसके अंदर जो करंट होता है वो 15 से 20 माइक्रो वोल्ट होता है, यानी वो जो हमारे घरों में चलने वाला करंट है उससे कुछ 10,000 गुना कम होता है, इतना यानी स्लो होता है। 15 से 20 जो है वो माइक्रो वोल्ट जो करंट होता है मेरी इन नसों के अंदर, जो दिमाग मेरा उनको कंट्रोल करता है, जो नसें मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं, पाँव के आपके नाखन से लेके सर के बाल की आखिरी चोटी तक आपकी बॉडी के हर हिस्से की कनेक्टिविटी आपके माइंड के साथ है, और आपके माइंड के अंदर वो हज़ारों किस्म की जो करोड़ों किस्म की जो चल रही होती हैं नसें, वो एक दूसरे के ऊपर से
जिस तरह हमने अपने घरों में या किसी तरह की भी आप जो इलेक्ट्रिसिटी की या कोई सेम लाइक ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर से वो कितनी वायर्स होती हैं, फिर आगे वो जाके करंट जनरेट करती हैं, फिर आगे वो उसकी डिवाइडेशन का एक सिस्टम होता है, तो सेम हमारे दिमाग में भी इसी तरह चल रहा होता है। और जो हमारे दिमाग के अंदर जो नसें होती हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर नीचे से जा रही होती हैं, और इन नसों के दरमियान जो फासला होता है, मसलन 2-3-4 तारें गुजर रही हैं ऊपर नीचे से, और उनके दरमियान जो थोड़ा बहुत फासला होता है उस फासले को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइलिन कहते हैं। यानी उन नसों के दरमियान जो फासला है और उस फासले को हम अपनी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें कहते हैं माइलिन। अब किसी भी वजह से मेरे दिमाग की इन नसों के उस फासला जो हुआ है वो जब ख़त्म हो जाए, वो आपस में चिपक जाएं या आपस में एक दूसरे के साथ उनकी टचिंग शुरू हो जाए, तो इस सूरत में जो करंट जनरेट होता है मेरे दिमाग में आम रूटीन में 15-20 माइक्रोवोल्ट है। फिर जब ये आपस में, चूँकि ये करंट जो 15-20 माइक्रोवोल्ट है ये उस वक्त है जब आपकी सारी सूरत हाल नॉर्मल चल रही, जब आपके ये जो बीच वाला माइलिन वाला जो गैप है ये ख़त्म हुआ और आपस में नसें एक दूसरे के साथ जुड़ गई, टकरा गई या बार बार जुड़ी, या उसके साथ उनकी किसी भी बीमारी की वजह से, किसी शौक की वजह से वो जब आपके साथ वो जो बीच वाला गैप ख़त्म हुआ और वो आपकी नसें आपस में जुड़ी, तो वही करंट आपका 200 से लेकर 300 माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर झटका चूँकि बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने के दौरान जो आपको बीमारी होती है या जो आपको दौरा पड़ता है उसको हम मिर्गी कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। ये मैंने अपने व्यूअर्स के लिए बड़े आसान अल्फाज में समझाया कि मेरा जो दिमाग है वो पूरी की पूरी बॉडी के सिस्टम को चलाता है, और इस सिस्टम को चलाने के लिए करोड़ों किस्म की जो नसें हैं यानी वो वायरें जो हैं वो मेरे दिमाग से कनेक्ट हैं, और वो वायरें एक दूसरे के ऊपर नीचे से जाती हैं, ऊपर नीचे से जाते हुए उनके दरमियान वाला जो खला है, जो फासला है, उसको हम माइलिन कहते हैं। जब वो किसी भी वजह से वो फासला कम हो जाए और नसें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ और वो करंट जो 15-20 माइक्रोवोल्ट था वो कन्वर्ट हो गया 200-300 माइक्रोवोल्ट में, अब उसके साथ जो आपको झटका लगा उस झटके को हम एपिलेप्सी कहते हैं यानी मिर्गी कहते हैं। अब ये मिर्गी जो है वो इसका जो जो लोगों को होती है उसके पीछे कई रीजंस होती हैं। अब एक बच्चा है या बड़ा है उसको अगर टेम्परेचर जो है वो 1.4 हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया, 104 बुखार हो गया, उसको झटके लगे या उसके दिमाग में झटके लगे या इसकी वजह से उसके दिमाग की जो करंट पैदा करने की जो अपनी एक कैपेसिटी है वो उससे डबल हो गया, तो इस सूरत में भी आपको झटका लग सकता है, लेकिन ये झटका और किस्म का होगा। 65 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है या थोड़ी बहुत कम है, इस दौरान में अगर कोई झटका लगा तो वो एक अलग किस्म है, लेकिन चूँकि जो मिर्गी का झटका होता है ये कंटिन्यूसली लगता है, और जब भी ये झटका लगता है तो मरीज़ अगर खड़ा है तो गिर जाता है, बैठा है तो वो वहीं पर शक हो जाता है, और ऐसी सूरत हाल में उसके दांत जकड़े जाते हैं, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं या गर्दन उसकी टेढ़ी हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में मरीज़ को जो है वो इस दौरे को, इस तरह की कैफियत को हम जो है ना वो एपिलेप्सी कहते हैं। अब हमारे माशरे में चूँकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा हम जब छोटे होते थे तो हम देखते थे कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा तो लोग जो है ना उसको जूता सुंघाना शुरू कर देते थे, या किसी ने कोई खुस्सा पहना हुआ तो वो जल्दी जल्दी उतार के उसकी नाक के आगे कर रहा था, या अगर हमने देखा कि उसको दांत जिसको आम जुबान में हमारी पंजाबी में दंदल कहते हैं वो पड़ गई तो लोग फौरी तौर पे चम्मच ले के उसके दांतों में घुसा देते थे, ज़ोर लगा के उसको जो ना उसकी वो दंदल को तोड़ने की कोशिश करते थे। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ रहा होता था तो लोग उसके हाथ पाँव मलना शुरू कर देते थे, या जो है ना वो उसको अगर किसी वो बाजू को मरोड़ रहा है तो उसकी अपोजिट साइड पे मरोड़ना शुरू कर देते थे। ये वो कन्फ्यूजन है जो माशरे के अंदर पाई जाती हैं कि उनको प्रॉपर इसके ऊपर गाइडलाइन का नहीं पता। तो बेसिकली जब भी आपको मिर्गी का दौरा या किसी को भी आपके सामने मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो वो 15-20 मिनट या 5-10 मिनट का दौरा होता है। इस दौरान में ना तो कोई जूता सुंघाने की कोई ज़रूरत होती है, ना पेशेंट के हाथ पांव मसलने की कोई ज़रूरत होती है, और ना ही उसके दांतों में कोई चम्मच वगैरह घुसा के और उसके दांत जो है ना वो उसको खोलने की कोई ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं जो मुआशरे में चल रही होती हैं। अब इसी तरह की एक और सूरत हाल भी आती है हमारे सामने, लोग कहते हैं कि जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो मेल है फीमेल है उससे शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मिर्गी के दौरे अगले को भी पड़ेंगे। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है कि मिर्गी का ऐसे कोई ये कोई इसका हमने आज तक जो भी स्टडी देखी है उसमें कोई 5% या 2% ऐसे पेशेंट आते हैं
कि जिनको जो है वो जीन्स के साथ यानी उनकी जेनेरिक यानी नस्ल से ये उनको मिर्गी का आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, वरना इसकी और कई रीजंस होती हैं, मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या आपको एपिलेप्सी होती है। बहुत ज़्यादा शुगर वाले या हाइपरटेंसिव वाले, हार्ट डिजीज़ वाले, CKD वाले, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले, इनमें से ऐसे बंदे जिनकी मेडिकेशन जो हो रही होती है लॉन्ग टाइम से, बाज़ दफ़ा कुछ मेडिसिन से रिएक्शन की वजह से भी आपको एपिलेप्सी हो सकती है। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल गलत है और ये इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल जो लोग करते हैं कि जी शादी नहीं करनी चाहिए चूँकि उससे मिर्गी के दौरे पड़ेंगे या बच्चे में आगे ट्रांसफ़र होगा, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। बेसिकली हर 1000 में से कोई 2-3% जो लोग होते हैं वो मिर्गी के दौरे के निकलते हैं, लेकिन इसमें 90% लोग जो है वो मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं। 70% ऐसे होते हैं जिनको मेडिकेशन कुछ टाइम के लिए करनी पड़ती है, 3-6 महीने मेडिकेशन की तो वो ठीक हो गया। 20% ऐसे होते हैं जिनकी मेडिकेशन थोड़ी लॉन्ग चलती है, और 5% ऐसे होते हैं जिनकी मेडिकेशन के बावजूद भी रिकवरी के चांस नहीं होते। तो ये दौरा किसी भी वक्त पड़ सकता है, किसी भी टाइम पड़ सकता है, और इसलिए ऐसे बंदों को अब इनके लिए हदायत क्या हैं कि ये वो बंदे जिनकी बेसिकली इनकी जो पीछे वजूहत तो वो होती है, अगर कोई फालज वाला पेशेंट है, लकवे वाला पेशेंट है या नर्व इंजरी वाला है तो उसमें भी ये ब्रेन जो एपिलेप्सी हो सकती है, लेकिन इसकी एहतियात क्या है। अगर किसी बंदे को पता है अगर किसी बंदे को ये पता है कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो ऐसे बंदे को आपने लॉन्ग ट्रैवल नहीं कराना, उसको स्विमिंग पूल वगैरह पे नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, बहुत ज़्यादा गहराई वाली जगह पे नहीं जाने देना, और ड्राइविंग नहीं करने देनी, क्योंकि ऐसी सूरत हाल पे उसको किसी भी वक्त अगर कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया तो उसकी जान जा सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब भी कोई पेशेंट आपको नज़र में हो या आपका कोई अजीज़ हो, तो उसे कहें कि ये जो मिर्गी है या एपिलेप्सी है ये एक सिंपल बीमारी है, और दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये बीमारी होती है। सिंपल अल्फाज में ये है कि जिस तरह ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सारी की सारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, इसी तरह हमारा जो ब्रेन है वहाँ पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और उस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर कोई झटका लगे या आपकी बॉडी जो आगे रिएक्ट करती है उसको हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी कहते हैं। तो बेसिकली ये काबिल इलाज बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है, न्यूरोलॉजी वाले और साइकेट्री वाले इसको डील करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू होता है या आपके नियर बाई किसी को है या आपने किसी को देखा है या आपके किसी रिलेटिव्स को है, तो उसको प्रॉपर गाइड करें कि मिर्गी एक काबिल इलाज बीमारी है, एक सिंपल बीमारी है जो ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होती है, लिहाजा इसकी मेडिकेशन की जाए और अपनी फिजियोथेरापी कराई जाए, अपने आप को प्रॉपर एक किसी भी एक्सपर्ट फिजियोथेरापी के साथ आप उसके साथ कनेक्टिविटी करें और अपनी डाइट को बेहतर करें, अपनी मेडिकेशन जो है उसमें ज़रा भी आपने गैप नहीं आने देना मेडिकेशन, जब तक आपका न्यूरोलॉजी का डॉक्टर या साइकेट्री का डॉक्टर जो आपको डील कर रहा है या जो भी कंसल्टेंट आपको डील कर रहा है, तो उसकी आपने कंसल्टेंसी के मुताबिक, उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक आपने अपने आप को चलाना है। तो एपिलेप्सी काबिल इलाज है और रिकवरेबल बीमारी है। कोई 5% लोग ऐसे हैं जिनको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वरना 90% लोग जो है वो रिकवरेबल हैं। तो हमने कोशिश की है कि अपने व्यूअर्स के नॉलेज को अपडेट किया है, लोगों को एजुकेट किया है, ताकि उनको मिर्गी के बारे में जो कन्फ्यूजन थी उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।